खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बुधवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव सीहोर जिले के दौरे पर थे। सीहोर जिले की आष्टा तहसील में पहुंचे कृषि मंत्री ने सर्वप्रथम आष्टा जनपद में किसानों को दवाइयां वितरण की। जनपद पंचायत आष्टा के बाद कृषि मंत्री ने आष्टा कृषि उपज मंडी में बनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जिसके बाद मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में किसानों, मंडी व्यापारियों, तुलावटी हम्मालों को संबोधित किया। मंडी कार्यालय जाते समय तुरंत गाड़ी रोककर ग्रामीण क्षेत्र से मंडी में नीलामी में अपनी उपज बेचने आए किसानों से लहसुन प्याज हाथ में लेकर उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद मंडी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। कर्ज माफी के वादे को 8 माह में भी पूरे नहीं होने के सवाल पर कृषि मंत्री सचिन यादव बोले, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिनके लिए किसान कर्ज माफी एक असंभव काम था, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को अनेकों बार झूठी घोषणाएं करके, झूठे वादे करके किसानों को ठगने का काम किया, अब माफी की बात हो या चाहे 50,000 रुपए कर्ज माफी की बात हो या 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात हो, तो किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है। हमारी सरकार ने अपने वचन पत्र के अनुसार 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 10 दिन भी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेने के 1.5 घंटे के अंदर उस वचन को पूरा करने का काम किया है। अभी तक हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया है। खजाना खाली होने के बावजूद भी 7,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का काम सरकार के द्वारा किया गया और हम कर्ज माफी की प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की ट्वीट और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वन मंत्री उमंग सिंघार की चल रही लड़ाई पर नो कमेंट्स कहकर कोई जवाब नहीं दिया। इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष बल बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोपाल इंजीनियर, प्रदेश महामंत्री राजेश यादव के साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री यादव का भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर कई कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अधिकारी अमला मौजूद रहा। आप कहाँ लगाए थे? मंत्री उमर सिंघार जी आ रहा है, कहाँ गया कि मध्य प्रदेश में दो सरकार चल रही है, कमलनाथ नो कमेंट्स और एक नो कमेंट्स। अगला क्वेश्चन कर्ज माफी को लेकर आपने जो बात कही भाई साहब का जो ट्वीट आया है, अरुण यादव जी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि मेरी जो मेहनत करी और मुझे मालूम मिला कि 8 महीने में इतनी खराब हालत प्रदेश की हो गई। कमलनाथ सर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सब दिग्विजय सिंह जी पीछे से पर्दे के पीछे सरकार चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट।